और तो ये सर कहाँ हम सर जाइएगा सर, सर, क्यों पेमेंट करेंगे इसका क्यों पेमेंट कीजिएगा मतलब सर हमको हम चाहिए नहीं तो हम हम पेमेंट क्यों करें उसका हेलो दोस्तों मैं हूं लकी आप देख रहे हैं लकी गैरेज 7201 सेवन टू जीरो वन वेलकम टू आवर न्यू वीडियो तो आज मैं लेके आया हूं वीडियो कुछ अलग टाइप का जो कि अब वो शोरूम का गलती कह लो या इंश्योरेंस कंपनी का स्कैम कह लो तो आज मैं आपको पूरा इसके बारे में दिखाऊंगा ये गाड़ी अभी आप देख रहे हो पूरे नई नवेली जैसी होके आई है और इसके अभी जो एक्सीडेंट हुआ था उसका फ़ोटो वोटो में अभी डाल देता हूँ बाकी इसके जो गाड़ी जिनका है उनके फ्रेंड को मैं अभी बुलाऊंगा इस वीडियो में तो वो बताएंगे पूरा स्टोरी क्या कैसे क्या क्या होता है और क्या क्या स्कैम हुआ था तो वो सब बताएंगे तो अब मैं बुला रहा हूँ जो गाड़ी के हैं जिनका गाड़ी है जिनके फ्रेंड हैं वो उसको मैं अभी बुला रहा हूँ तो वीडियो में बने रहें आइए आदर्श जी चाल है ठीक है बताइए क्या नाम है आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए नई तो नवेली बन के आई हुई है। इसके पीछे का जो वो बताते हैं और इंश्योरेंस कंपनी का और टाटा शोरूम का जो स्कैम होता है वो किसका है वो पता नहीं वो यही बताएंगे कि क्या से क्या हुआ है तो चलिए इनसे पूछते हैं तो क्या कैसे घटना हुई थी तो एक ना मतलब जिनकी गाड़ी है वो जा रहे थे फ्रेंड की ट्रिप थी तो वो एक साइड सा में से आगे साइड में अरे राज है, है, मतलब मंदिर है, अच्छा। जा रहे थे माता का मंदिर है, तो इस तरीके से टक्कर हुई है कि मतलब इसका ये इसका ये देख रहे हो आप ये पूरा नया लगा है ये पूरा अंदर चला गया था इसका जो रेडीवाटर है वो अंदर तक चली गई थी ठीक है एयर बैग खुल चुकी थी दोनों अच्छा ठीक है दोनों एयरबैग खुल चुकी थी इसकी तो आप समझ सकते हो कि टक्कर कितनी जोरदार हुई थी लेकिन जो ये गाड़ी चला रहे थे उनका ये कहना था कि 30, 35 से ऊपर हमारी स्पीड नहीं थी अच्छा उसमें दोनों एयरबैग खुल खुली पड़ी थी चलो अब अब वहाँ से गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद आपको भी चार्ज लगा था क्या घर लाने में अरे राज यहाँ से हाँ तो तब हमने ना फोन किया रोड साइड स्टेशन वालों को टाटा की टाटा के अच्छा

आठ सौ या हजार रुपए की पांच हजार रुपए का ये मतलब के से हमने, हमने उस, उस पैसे को बचा लिया ठीक है? है फिर हम रात में घर पे आए घर पे जब हमारी गाड़ी रुक गई कल कल हमने फिर फिर से कॉल किया रोड असिस्टेंट वालों को तो जहाँ ये शोरूम है शोरूम तक जाने के लिए आइडियल शोरूम है आप सकड़ी जान रहे हो उस पटना वाले रोड पे

असिस्टेंट नहीं, नहीं कुछ नहीं, नहीं नहीं ये सब हमारा खुद का है अच्छा ये हजार रूपए वहाँ से आने का पाँच सौ यहाँ मतलब पंद्रह सौ में हमारा काम हो गया जहाँ पे आप लोगों और पैंतीस सौ पंचानवे सौ रूपए जहाँ हमारे काम पंद्रह सौ में हो गया अच्छा ठीक है तो ये भी एक सीख वाली बात है कि रोड साइड असिस्टेंट का हेल्प ना ले उससे अच्छा है कि आप खुद अपने पर्सनल गाड़ी से उसको खींच के ले जाए या टोकरा के ले जाए तो आपको कम बजट में भी हो जाएगा अगर पैसा नहीं है तो तो उसके बाद का प्रोसेस क्या हुआ अगर उसके बाद हम पहुंचे शोरूम में तो शोरूम के पास ये करने के बोला कि आप पेपर वेपर मांगे उन्होंने तो हम हमने पेपर दे दिया इंश्योरेंस की फोटो कॉपी दे दी उसके बाद आर सी आर सी का फोटो कॉपी दे दिया ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो कॉपी दे दिया उसके बाद आपका ये क्या बोलते हैं उसको पैन कार्ड पैन कार्ड आधार कार्ड पांच चीज लगता है इंश्योरेंस ये चीज जीरो था ना हाँ ये जीरो हमने पूछा उनसे बस रफली आइडिया लिया कि कितने तक का हो सकता था उन्होंने बस इतना बता दिया दो बातें बताई कि हजार रुपए आपका क्लेम प्रोसेसिंग चार्ज है और के नीचे का जो सामान लगेगा उसका बस पैसा देना है तो हम सोचे यार ठीक है हो जाएगा कम में हम इतना बो, बोल के और हमारा था ग्यारह या बारह तारीख का ये आपका अक्टूबर का अच्छा ठीक है गाड़ी जमा किस दिन हुआ था गाड़ी जमा हुई थी आपको तेरह तारीख को अच्छा ठीक है तेरह तारीख को गाड़ी का अच्छा। एक महीने का एस्टिमेट डेट था ठीक है तो गाड़ी पे हेवी इंपैक्ट होने के कारण एक महीने का डेट था जैसे की एयरबैग होती है इस वो बैंड हो चुकी थी वो पूरी अंदर तक हल्की बैंड हो चुकी थी इस साइड से ये हेडलाइट की ये टूट चुकी थी सब कुछ मतलब था एयरबैग ओपन था, था दोनों एयर बैग ओपन था तो वो चीज हुआ तो गाड़ी मतलब हमें बाद में मतलब कुछ है ऐसा कोई जान पहचान वाले हैं तो उनसे मतलब हो बात बात करते करते तो जैसे कि ना आ, बोला गया कि गाड़ी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी उन्होंने सपोर्ट भी किया आइडियल शोरूम वाले ने हमें बहुत सपोर्ट किया टाइम से पहले गाड़ी दे दी तेरह तारीख को तो पहली बात हमें अप्रूवल में ही चार दिन लग गए अच्छा हमें ये बोला जा रहा था आपका अप्रूवल नहीं यार रहा ऐसी से हमारा इंश्योरेंस है अच्छा। ठीक है तो हमें ये बोला जा रहा था पास आपका इंश्योरेंस नहीं है आपका अप्रूवल नहीं आ रहा है अप्रूवल आपका इंश्योरेंस वाले में दिक्कत है शोरूम की तरफ से ये बोला जा रहा था आपके इंश्योरेंस वाले में दिक्कत है अप्रूवल नहीं आ रहा चार दिन हमें मतलब रोक साफ लो आप विश्वकर्मा पूजा के बाद ये अप्रूवल हमारा आया था अच्छा। ठीक है और जहाँ तक रही की कौन कौन सा पार्ट इसमें नया लगा है तो ये हेडलाइट हो गया आपका ये ग्रिल हो गया। ये बंपर हो गया हुँ। हुँ। ये ठीक है उसके बाद ये हो गया ठीक है उसके बाद आपका ये डैशबोर्ड आपका नया लगा था तो वो तो अंदर चल के दिखा देंगे लेकिन ये ये जो बोनेट है ये इस पे हल्का सा इम्पेक्ट था तो इसको पेंटेड कर दिया गया था बाकी बाकी सब कुछ आपको इसमें नया ही लगा है जो जो उसके जिसका जो वायरिंग था अच्छा। उसका और से बैग का जो मॉड्यूल आता है सेंसर इससे खुलता है वो भी नया लगाया गया था तो लेकिन इसका पार्ट्स क्या लग कीजिए आपको ये बता दू, कि इसका अवेलेबल होता ही नहीं है शोरूम अच्छा। का ये कहना है की अगर पार्ट अवेलेबल हो तो मैं पांच दिन में गाड़ी बना कर दे दू अब अच्छा ये शोरूम वाले के के पास पार्ट्स नहीं है या फिर ऊपर से पार्ट्स का दिक्कत है ये तो हमें भी नहीं पता है लेकिन हमें हमेशा ये बोला जाता है कि पार्ट्स अवेलेबल है ही नहीं ठीक है तो बीच बीच में आपने जा, जा के देखा था गाड़ी जब जिस समय बन रही थी तो हाँ जब यहाँ पे एक, एक बार हम अठारह तारीख को मुझे याद है कि अठारह तारीख को हम जब यहाँ पे गए थे यहाँ पे टाटा आइडियल में तो गाड़ी पे उस समय तक तो कुछ नहीं हुआ हो रखा था बस गाड़ी ऐसी खुल, खुल, खुली हुई छुड़ी हुई थी गाड़ी अच्छा ठीक है बस वो साइड का वो निकाल के हाँ। और ये गाड़ी में वो गाड़ी को अनलॉक भी नहीं था और वो खुला हुआ अच्छा, उसका क्लिप है आपके पास हाँ मैं क्लिप है मैं सारा क्लिप आपको भेज दूंगा ए टू जेड जितने क्लिप है अच्छा। सब आपको भेजूंगा आप धीरे धीरे उसको डाल के आप देख लेना अच्छे से कि क्या क्या हुआ थेक, थेक। तो या अपने सब्सक्राइबर को आपके सब्सक्राइबर को मैं बता दू की उनको मैं क्लिप भेज दूंगा आप उसको देख सकते हो आपसे सीख सकते हो कि क्या क्या हुआ हमारे साथ वो गलती आपके साथ न हो ठीक है उसके बाद हम जब जाते थे जो तो अठारह तारीख तो उस समय तक अप्रूवल नहीं आ रखा था अच्छा तो उस दिन शोरूम बंद थी तो बोला गया जाएगा सत्रह तारीख को था इसलिए सर्विस सेंटर बंद रहेगा ठीक है हम चले आए उसके बाद जब हमने कॉल किया उन्नीस या बीस तारीख को शोरूम में तो उन बोला है कि अप्रूवल आज ही आया है आज से हम काम करना आपकी गाड़ी पे स्टार्ट करते हैं स्टार्ट हो गई काम तो मतलब सारा काम ओके होने के बाद जब हमारा काम ओके हो गया गाड़ी म, हम मेरे पास फाइनल फोटो आ, आगे गाड़ी की कि गाड़ी आपका ओके हो चुका है अच्छा तब तो फिर बोले कि हम आपकी गाड़ी को 50 किलोमीटर टेस्टिंग करेंगे ठीक है वो टेस्टिंग में ले गए हमारी गाड़ी को तो उस समय ये पता चला कि गाड़ी का जो मॉड्यूल होता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मॉड्यूल चेंज हुआ है और एक सीट बेल्ट वो टूट रखा था अच्छा तो वो मॉड्यूल और सीट बेल्ट का मेरी गाड़ी चार दिन एक्स्ट्रा रखी गई थी शोरूम में वो आप सोच सकते हो छोटा सा सीट बेल्ट तक नहीं रहता है अपलेबल पार्ट्स में और मॉड्यूल चलो ठीक है एक सेंसर होता है तो वो नहीं रहता है बहुत गाड़ियों में कि वो एयरबैग का समय वो चीज हम समझ सकते हैं लेकिन, लेकिन चेंज है सीट, सीट बेल्ट भी आपको चेंज है लेकिन सीट बेल्ट आपको ये टिगोर तिगो, का सीट बेल्ट नहीं है नहीं। आप वो नेक्स्ट वन या हैरियर का सीट बेल्ट लगा हुआ है का हो, का हो सकता है ये अच्छा। तीन में से किसी एक का कि सब तो एक ही जैसे रहते हैं लेकिन इसका वो जब दिखाऊंगा मैं आपको हाँ। तो वो दोनों अलग अलग, अलग आपको वो दिख जाएगा आपको सामने से लेकिन वो नया लग, लग गया है मॉड्यूल नया लग गया लेकिन उस दो चीज के लिए हम चार दिन हमें बोला गया और रुकने के लिए अच्छा जब हम टेस्टिंग से आ गया तो वो सब कुछ चेंज कर दिया उन्होंने ठीक है तो उसके बाद बोला गया ठीक है गाड़ी आप आपने पूछा गाड़ी कब मिलेगी उन्होंने बोला गया डीओ नहीं आया है तो अच्छा। हम दो दिन से वो चोरों वाले खुद गाड़ी कम्प्लीट करके दो दिन से डीओ का वेट कर रहे हैं अच्छा। हमें डीओ आ जाएगा गाड़ी आपको मिल जाएगी आ, जिस दिन हम गए थे बोला कि इस, शाम इस तक गाड़ी मतलब डीओ मिल जाएगा तो कल आप गाड़ी दो बजे के बाद आके ले जाना बोला ठीक है थीक लेकिन लकी आप एक बात बताओ कि जैसे कि आप किसी शोरूम के ओनर हो ठीक है हम आपके गाड़ी खरीदने गए मैं टाटा की कंपनी की बात नहीं कर रहा किसी शोरूम के आपका ओनर हो ठीक है तो आप हम आपके पास गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो आ, आप मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप इसी किसी इंश्योरेंस वाले से आप करके दो या फिर किसी आ, मैंने ना, ना, ना मैंने अपना प्राइवेट कंपनी को ही लाया आ, आपने जिस कंपनी से मुझे इंश्योरेंस करके मैंने खुशी खुशी एक्सेप्ट कहाँ से लिया था यशराज मोटर से कहा पड़ती है ये पड़ती है आपको जैसी चांदनी चौक के आस आगे जाओ मुजफ्फरपुर चांदनी चौक के पास ये पड़ती है यशराज मोटर से ठीक है ठीक है तो उन्होंने आई सी का वो खुद से तो लकी आप जब खुद की ये सर्विस सेंटर पे या फिर खुद की जो वो है वो खुद आप करके दे रहे हो इंश्योरेंस का तो हम हम डीओ के लिए क्यों वेट करें डीओ हाँ। आप करके दोगे ना हाँ आप बता रहे थे कि हम बात भी किए हैं कि सर्वेयर हा, से हां वो भी मैं आप आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आप वो देख लेना तो डीओ के लिए वो मैंने बोला उन्होंने बोला कि हम दो दिन से वेट कर रहे हैं आप कल आके 2:00 बजे के बाद ले जाना ठीक है ठीक है हम दो बजे मतलब पहले तो हम दो ही लोग जा रहे थे लेकिन जिस दिन दो बजे हमें जाना था तो हम अप्रोक्स तीन या चार लोग के साथ चार से ज़्यादा लोग पहुंचे थे कि गाड़ी खुशी खुशी लेके आ जाना क्योंकि किसी की कि 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 नई गाड़ी होती है फीलिंग्स अटैच्ड होती है नई गाड़ी से तो वो था अपनी गाड़ी का पहला एक्सीडेंट था तो हो गया तो उसके बाद हमें बोला गया रुक जाओ आधा घंटे रुक जाओ चार बजे आ जाएगा पाँच बजे आ जाएगा डी करते करते जब छः बज गए तो हमने कॉल किया एक नंबर था टोल फ्री तो उस पर पहले कॉल हुआ तो म... पहले तो वो आधा घंटा एक घंटा करके टाल रहे थे बात को कि आज उस दिन भी गाड़ी कि आप ये कि मतलब यहाँ बैठ जाओ आप यहाँ बैठ जाओ ये कर लो आप तो मतलब बंद कर फिर अगले दिन सैटरडे था फिर संडे मंडे को गाड़ी दे ठीक है तो हमें लेकिन कंफर्म ये भी नहीं बोल रहे थे कि आज नहीं होगा अच्छा। हम इंतजार करते रह गए पांच बजा साढ़े पांच हुआ छह बज गया छह बजने के बाद हमने कॉल किया है टोल फ्री नंबर पे ठीक है टोल फ्री नंबर पे कॉल हुआ तो एक बहुत अच्छे लोग हैं उनका नाम जावेद जी है ठीक है वो आए तो बोले कि मैं आपसे पर्सनली आके मिलता हूँ वो जब आए नीचे तो वो जाके खुद जाके बात किया तो हमें एक मेन कमिटमेंट किया गया था कि हम खुद से नहीं गए थे हमें कमिटमेंट था कि चार बजे आपको गाड़ी मिल जाएगी क्योंकि हमारा डेट था बारह तारीख का तो हम उस दिन आते तो लेकिन हमें बोला गया कि आप आओ कल आपको गाड़ी एनी हाउ मिल जाएगी ठीक है इसलिए हम गए थे तो हमें इस चीज का मतलब आप बोलो गुस्सा था थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो हुए थे फ्रस्ट्रेटेड थे हम खुद तो वहां जाने के बाद हमें ये पता चला कि आज गाड़ी आपकी नहीं मिलेगी तो हमने बोला कि नहीं भाई जब तो हमें आप बुलाया गया था मतलब जिसकी गाड़ी हो, है वो ऑफिस वाला बंदा है वो डेली डेली अपना ऑफिस छोड़ के आज खुद देख रहे हो आप हाँ खुद आज अवेलेबल नहीं है लेकिन जब हुआ कि ठीक है डीओ नहीं आ रहा है हमने भी ये बात किया कि जब हम आपके उस ले रहे शोरूम से गाड़ी जब आप डीओ कर, कर हम आप इंश्योरेंस करके दे रहे हो तो हम डीओ का क्यों वेट करें? तो डीओ के हम लोग क्यों वेट करेंगे हमको तो क्लेम चार्ज देना है गाड़ी लेके जाना बस डी ओ शोरूम और इंश्योरेंस कंपनी का समझे आ, बीच की बात है ठीक है हाँ? तो जब हम हमने बोला नहीं हमें गाड़ी जब हम अपने बात पे अड़ गए की नहीं हमें गाड़ी चाहिए तो चाहिए तो उन्होंने बाद में अपने स्तर से जावेद जी ने खुद बोला कि बात किया जावेद जी वहाँ के जनरल मैनेजर थे सर्विस के जनरल मैनेजर है जावेद जी पूरा नाम नहीं पता लेकिन उनका नाम स्टार्टिंग जावेद जी से होता है बहुत अच्छे लोग हैं वो आ, तो उन्होंने सपोर्ट किया तो उसके बाद मतलब जाके हमारा डीओ आया ठीक है डीओ का आपको लकी जी मैं वो ही डीओ भेज दूंगा मतलब जो उसका अमाउंट था जो उसका बिल बना हुआ था बिल था अप्रोक्स आपको एक लाख साठ या पैसठ मैं अप्रोक्स याद नहीं है डेढ़ के प्लस था ठीक है हमें पे करने थे सत्तावन सौ दस रूपये

लेकिन जब उन्होंने मैंने बोला कि आप पूरा तो बिल निकलवाओ कि आके किस किस चीज का है तो लकी मैं आपको बता दूं कि वो जो था ना वो दो हजार रूपए का अच्छा सैंडवेज करके एक आता है सैंडवेज हाँ भंगाड़ हाँ, भंगार, हाँ। जिसको कवाड़ बोलते हैं ठीक है <laughs> उसको आप कवाड़ बोल सकते हैं तो उसमें ना हमें दो हजार वो पेमेंट करने थे वो जब मैंने पूछा तो जैसे इसका ये पार्ट चेंज हुआ है ना ये चेंज हुआ है रेड वाटर चेंज हुआ एयर बैग जो खुला हुआ है डैशबोर्ड जो हाँ. नया चेंज हुआ है हेडलाइट जो है हाँ. वो सब आपको अपने घर ले जाने हैं अच्छा तो उसको घर ले जाने का हाँ, भी चार्ज हम ही को हाँ, हम ही को चार्ज देना है अच्छा ठीक है वो दो हजार सताइस रूपए शोरूम वाले ने बोला सर्विस वाले ने कि आप अपने इंश्योरेंस वाले से बात करो तो उन्होंने मैंने बोला ठीक है बात कराओ जब मैंने बात किया रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा मैं लक्की वो आप मैं देख लेना उन्होंने दे पहले उन्होंने बोला कि ठीक मैं अपने बात करता हूं जब मैंने बोला कि हम अपने मन से हमने आईसीआई को चूज नहीं किया था उन्होंने खुद दिया है तो हम क्यों पेमेंट करें बोले ठीक है मैं शोरूम से बात करके आपको मंडे को हुँ. जो लास्ट मंडे भी, गया है उस मंडे को मैं आपको फाइनल करता हूँ अभी आपको पेमेंट करना ही होगा उन्होंने भी यही बोला कि आपको पेमेंट करना ही होगा ऐसा रूल है नहीं जो मतलब का जो आ, सर्वेयर वो मैं पता बता नहीं वाले पोस्ट पे नहीं थे ठीक है? तो उन्होंने बोला रूल है कि पेमेंट आपको करना होगा दो हजार ठीक है बोले ठीक है दो तो पे हम पेमेंट करके अभी तो पेमेंट नहीं करेंगे बाकी मैं बीच में अभी क्लिप डाल देता हूँ जो इनका और जो सर्वेयर है या सी आई सी के

हेलो बोल रहा हूँ सर कि मैं ये दो हजार का जो ये यो हम हम लेके कहाँ जाएंगे अभी सर तो हम भी क्या करेंगे उसको लेके सर ये से बात थोड़ी ना होता है कि सर कि आप पेमेंट नहीं कीजिएगा उसका तो कैसे पर सर्विस तो कटेगा ही ना जो नियम है रूल है वो तो कटेगा ही ना हमको ऐसा इंश्योरेंस के टाइम में तो कुछ नहीं बताया गया था स्कूल के टाइम में आप क्या क्या जानकारी लिए कुछ नहीं बोला गया कि आपका जब कुछ भी होगा तो हजार रुपया उसका चार्ज लगेगा और सौ जो नट बोल्ट लगेगा सौ रुपया नीचे का उसका चार्ज लगता है अच्छा हाँ बताया हाँ गया बस सर्विस नहीं गया नहीं सर कुछ नहीं बताएगा आप आप हम राज से गाड़ी लिए थे और ये भी चा? नहीं बताया कि हम आईसीआई से कर रहे हैं इंश्योरेंस हमको ये भी नहीं बताया गया था हमको इंश्योरेंस करके मिल गया था पूछे थे कि के वेट कर लीजिए आप गाड़ी छोड़ दीजिए ठीक है सर गाड़ी सर गाड़ी छोड़ना ही रहता तो सर सात गया गाड़ी कैसे छोड़ देते हैं सर हाँ तो फिर तो इसके लिए छोड़ दीजिए गाड़ी आप मंडे को मैं इसको चेक कर लेता हूँ और मंडे को मंडे रिपोर्ट बना तो कल परसों बंद है ऑफिस ठीक है कल पर बंद है ऑफिस अब मंडे को मैं देखता हूँ बात करके अगर ऐसा होगा तो ठीक करके देखते हैं ठीक है तो सर एक जैसे आज कि आज कैसे कह दूंगा मैं भड़वली के ठीक है सर मेरी बात सुनिए सर जैसे कि आप है सर, मैं आ, सर मैं और हाँ बोलिए जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मंडे को बात करके मैं हम आपको कॉल करूंगा ठीक है सर तो हाँ? तो मंडे को मतलब ये होगा कि वो तो यही बात बोलेंगे हमने बताया था तो भरवाली बात हुई थी ना तो भड़वली में तो हमको हाँ ये नहीं पता वो तो झूठ बोलने के लिए बोल देंगे सर नॉर्मली बात है ह्यूमन है आपका गाड़ी बन गया सब चीज़ का नहीं आप जो बोल रहे हैं कौन बोलेगा झूठा डीलर में झूठ बोलेगा डीलर में करके हम, क्या उस समय कि बोलेगा? कि हम नहीं बोले थे ये बात, ये बात हम बोल दिए थे आप नहीं सुने होंगे तो हमको नहीं बोला गया था क्या लोग बोलेगा वहाँ नहीं बोलेगा निकल गए ऑफिस से तो भाई मतलब नहीं पेमेंट करना तो गाड़ी छोड़ के जाना पड़ेगा मंडे को आप पेमेंट कर लीजिए पाँच हजार आपका रहेगा ना मान लीजिए हम रिवाइज करके भेजेंगे तो आप वहाँ पे रिटर्न कर लीजिएगा

अच्छा ठीक है कि हम वाराणसी निकलेंगे वहीं जाके इसकी पूजा पाठ देख रहे अभी मिट गया चंदन वगैरह यहाँ पे हाँ वो देख सकते हो अभी माला वाला ऐसे ही है तो हमें वाराणसी निकलना था लेकिन इतना लेट हो चुका था कि तब भी उन्होंने बोल रहे, वो बोल रहे रहे वो कि आपको लेके जाना पड़ेगा फिर बोला की आप ठीक है आप मेरे को मंडे तक का टाइम दो आपका पैसा रिफंड हम करवा सकते हैं पहले उन्होंने बोला फिर उन्होंने दस मिनट बाद फिर से मेरे मतलब कॉल किया तो उन्होंने ये बोला की नहीं ऐसा रूल है आपको पेमेंट करना ही होगा ये आपको पेमेंट करके ही जाना होगा आपको ऐसा तो कुछ नहीं है तो ये किसका स्कैम मानते हो टाटा का की, आएसी, आएसी, का मैं तो दोनों का मानूंगा क्योंकि उन्होंने दोनों ने हमारे साथ किया क्योंकि मैं गाड़ी के के टाइम में भी था हुँ. गाड़ी लेके भी मैं ही आया के घर पे ठीक है और क्लेम करवाने भी मैं ही गया था अच्छा ठीक है तो स्टार्टिंग से अभी तक गाड़ी के साथ मैं हूँ मुझे मुझे दोनों का स्कैम लग रहा है मैं एक पे नहीं रह के बारे में कचरा लेके हम क्या करेंगे कचरा लेने के बावजूद चलो फ्री में मिल रहा है तो ले भी लेंगे लेकिन उसके भी दो एक्स्ट्रा चार्ज सर लक्की मैं आपको मतलब गाड़ियों के नाम नहीं बताऊंगा मैं पहले से चार पांच गाड़ियों का ओनर रह चुका हूं ठीक है इतने कम उम्र में मतलब मेरे नाम से गाड़ी नहीं है थी फैमिली के मेंबर के नाम से गाड़ी तीन चार कंपनीज की गाड़ी अलग अलग कंपनीज की गाड़ी थी हाँ, मैं, मैं भी रखा हूं, उसमें भी मारुति रखा उसमें बस क्लेम चार्ज लगता है बाकी कोई भंगार का सिस्टम नहीं है नहीं है तो अभी तक हमने जितने भी क्लेम किए हैं हाँ। आज तक कभी भी ऐसा नहीं लगा है हमें की ऐसा देना पड़ता है या फिर सालवेज का चार्ज लेकिन हाँ ये भी पहली बार सुन रहा हूँ ये चीज टाटा के साथ लेकिन ये हमें मतलब मतलब जबरदस्ती बोला जाए की हमें लेट हो रहा था आठ साढ़े आठ बज चुके थे उस दिन

अच्छा ठीक है बाकी आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं कोई आईसीआईसी से या टाटा से हायर लेवल पे अथॉरिटी पे कोई होंगे तो ये जरूर बताएं कि किसका स्कैम है टाटा वाले का स्कैम है कि आई सी आई का ये स्कैम है कि भंगार लेके क्यों जाएं हम वो भी टूटा हुआ सामान लेके क्या करेंगे गेट है बोनेट है टूटा तो हुआ पंपर लेके क्या उसको आ, क्या आ, काम कर फैमिली को दिखाएंगे की फैमिली देख लो यही एक्सीडेंट हुआ है और नए नए अच्छे गाड़ी बन के जा रही है उसमें खून वाला सामान रखेंगे तो ये चीज स्कैम टाटा का कह लो या आईसीआईसी आईसी का तो जो है बाद में फ्यूचर में अगर फीडबैक आया कि क्या है तो फिर वीडियो बनाऊंगा बाकी ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं